तो कैसी है पब्लिक? आई होप सारे लोग सेफ है। अगर किसी तरह कॉम्प्लिकेशन है तो डॉक्टर से जल्दी से मिलो, और अगर आप सेफ हो तो दिस इज शुभम एंड डोंट बिलीव के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो बेसिकली एक पोस्ट काफ़ी ज़्यादा वायरल जा रहा है जिसमें बहुत सारे लोग छतों पे एक साथ नमाज पढ़ रहे हैं। इस पोस्ट को एक फेसबुक पेज हुक्का और खाट ने इस कैप्शन के साथ शेयर किया कि ये मजहब से वफादारी तो हो सकती है पर क्या देश से गद्दारी नहीं। काफ़ी इफेक्टिव वाला कैप्शन था। सेम पोस्ट को फिल्म डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने भी शेयर किया और उनका कैप्शन था कि ये जगह कहाँ पे है क्वारंटाइन में। एंड बहुत सारे दूसरे फेसबुक पेजेस ने भी इस चीज़ को शेयर किया और क्यूमुलेटिवली 10,000 से भी ज़्यादा इस चीज़ को शेयर किया जा चुका है। नाउ ये जगह कहीं पे भी हो, आज के डेट पे आज के सिचुएशन के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है, और अगर इनकेस ये चीज़ इंडिया में है तो ये क्रिमिनली ऑफेंसिव भी है। सो इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि ये पोस्ट कहाँ से निकला है और क्या इसके पीछे रहस्य है। नाउ अगर आप इस इमेज को गूगल पे रिवर्स सर्च करोगे तो आपको दुबई में पोस्ट किए हुए कुछ ट्वीट्स मिलेंगे जो ये इंडिकेट करते हैं कि ये चीज़ दुबई और कुवैत के एरिया में भी वायरल गया है। और क्योंकि विवेक अग्निहोत्री सर के ट्वीट में जो फ़ोटो है क्रॉप हो गया था, जब आप एक्चुअल फ़ोटो को देखोगे तो उसके बैकग्राउंड में राइट साइड की तरफ एक लंबा सा इमारत है और एक फेरी या पानी का जहाज़ आपको देखने को मिलेगा, और जो इमारत है बैकग्राउंड में वो कुछ हद तक मॉस्क या मस्जिद की तरह दिखता है। तो अगर आप कुछ कीवर्ड जैसे दुबई, मॉस्क, फेरी और सी एक साथ सर्च करोगे तो आपको जो गूगल इमेज के रिजल्ट मिलेंगे उसमें उस इमेज के बैकग्राउंड में जो बिल्डिंग है उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और इससे ये पता चलता है कि ये बिल्डिंग दुबई क्रीक के बिल्कुल ही पास है और ये दुबई के आर्किटेक्चरल हेरिटेज डिपार्टमेंट का बिल्डिंग है। नाउ थैंक्स टू ऑल्ट न्यूज़ इमेज के बहुत सारे दूसरे एलिमेंट्स को भी गूगल अर्थ इमेज के साथ वेरीफाई किया जा सकता है, जैसे कि गलियों में टंगे हुए पर्दे, कवर, जिन्हें अर्थ इमेज में वेरीफाई किया जा सकता है। दूसरा, जैसे कि उस इमेज के बैकग्राउंड में बड़ी सी बिल्डिंग, जिसे भी गूगल अर्थ इमेज के थ्रू वेरीफाई किया जा सकता है, और ये दुबई में दुबई क्रीक के पास एक मॉल की इमेज है, एंड फाइनल नोट, विथ ऑल दिस एविडेंट फैक्ट्स, ये पोस्ट दुबई का है एंड बिकॉज दुबई में पोस्ट किए गए ट्वीट्स के डेट भी अप्रैल 13 के हैं, तो ये सजेस्ट करता है कि इंसिडेंट रिसेंट इंसिडेंट है, एंड दिस ऑल्सो सजेस्ट कि ये चीज़ इंडिया में नहीं हुई है, विच इज़ ए गुड न्यूज़ इनफैक्ट। एंड आई होप कि दुबई गवर्नमेंट ने इसके अगेंस्ट में कोई ना कोई एक्शन ज़रूर से लिया होगा, बिकॉज आज के प्रेजेंट सिचुएशन में ये इस तरह के इंसिडेंट बहुत गलत है। एंड टू ऑल माई व्यूअर्स, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप कोई भी गैदरिंग पे पार्टिसिपेट मत करो आज के डेट पे, जितना हो सके खुद को घर में रखा करो। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चाहते हो किसी और को भी देखने को मिले तो शेयर कर देना, किसी भी न्यूज़ पे डाउट हो तो इंस्टाग्राम हैंडल पे आप हमें भेज सकते हो, हम डबल चेक करके आपको भेज देंगे। बाकी तो मैं मिलता हूँ आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक बी हैप्पी, बी सेफ, घर पे रहो और फेक न्यूज़ से दूर रहो।